लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन पटना में लाखों व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। इस मौके पर पटना में विधायकों, केंद्रीय मंत्रियों और पार्षदों ने भी अपने अपने घरों में छठ पूजा की। सीएम नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में भगवान भास्कर को अर्घ दिया तो वहीं बिहार के युवा नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अपने आवास पर परिवार के साथ छठ की पूजा की। इस मौके पर चिराग पासवान ने अपने सर पर लाल रंग की पगड़ी बांधी थी, जो कि चिराग पासवान उसमें काफी जम रहे थे। उन्होंने अपनी माँ और अन्य रिश्तेदारों के साथ डूबते सूर्य को अर्घ दिया। भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। चिराग ने अपने सिर पर दौरा रखा और लेकर अपने आवास से बने घाट पर गए। उसके बाद डूबते सूरज को उन्होंने भी अर्घ दिया। पूजा संपन्न होने के बाद उन्होंने बिहार और देशवासियों को छठ की बधाई दी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में भगवान भास्कर को अर्घ दिया। सीएम नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत तमाम मंत्री और राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी भगवान भास्कर को अर्घ दिया। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने अपने परिवार के साथ छठ पूजा की। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए छठ उत्सव के चार दिन विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। छठी मैया की कृपा पूरे बिहार और देश के लोगों पर बरसती रहे। वहीं पटना में छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। पटना में 20 अधिकारियों को तैनात किया गया। इसके अलावा बिहार विशेष सुरक्षा पुलिस बल की 35 कंपनियां और CRPF की 3 कंपनियां भी सभी प्रमुख जगहों पर तैनात की गई। लाखों लोगों ने घाटों पर भगवान भास्कर और छठी मैया को पहला अर्घ दिया। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन पटना में लाखों व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। इस मौके पर पटना में विधायकों, केंद्रीय मंत्रियों और पार्षदों ने भी अपने अपने घरों में छठ पूजा की। सीएम नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में भगवान भास्कर को अर्घ दिया तो वहीं बिहार के युवा नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अपने आवास पर परिवार के साथ छठ की पूजा की। इस मौके पर चिराग पासवान ने अपने सर पर लाल रंग की पगड़ी बांधी थी, जो कि चिराग पासवान उसमें काफी जम रहे थे। उन्होंने अपनी माँ और अन्य रिश्तेदारों के साथ डूबते सूर्य को अर्घ दिया। भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। चिराग ने अपने सिर पर दौरा रखा और लेकर अपने आवास से बने घाट पर गए। उसके बाद डूबते सूरज को उन्होंने भी अर्घ दिया। पूजा संपन्न होने के बाद उन्होंने बिहार और देशवासियों को छठ की बधाई दी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में भगवान भास्कर को अर्घ दिया। सीएम नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत तमाम मंत्री और राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी भगवान भास्कर को अर्घ दिया। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने अपने परिवार के साथ छठ पूजा की। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए छठ उत्सव के चार दिन विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। छठी मैया की कृपा पूरे बिहार और देश के लोगों पर बरसती रहे। वहीं पटना में छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। पटना में 20 अधिकारियों को तैनात किया गया। इसके अलावा बिहार विशेष सुरक्षा पुलिस बल की 35 कंपनियां और CRPF की 3 कंपनियां भी सभी प्रमुख जगहों पर तैनात की गई। लाखों लोगों ने घाटों पर भगवान भास्कर और छठी मैया को पहला अर्घ दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।